श्वान और तीसरा है महिषाय। ठीक है बैठ। वृषभ का अर्थ है बैल, श्वान का अर्थ है कुत्ता और महिष का अर्थ है भैंस, कहीं कहीं राज महिषी भी यही ना, तो पूरे राजनीति तो इसमें आ गई। शुक्र नीति आदि का अध्ययन कीजिए, जो राजा है उसमें पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, देवताओं में इंद्र का, विष्णु का, शिव का, यम का आंशिक तेज प्रतिष्ठित होता है। उसको कहाँ अपने को अग्नि के रूप में प्रकट करना चाहिए, कहाँ जल के तरह शीतल होना चाहिए, कहाँ पालक होना चाहिए, कहाँ मारक होना चाहिए, कहाँ उत्पादक होना चाहिए, तो उसमें सप्त लोकपालों का तेज सन्निहित होता है या दस लोकपालों का तेज सन्निहित होता है। इसी प्रकार यहाँ जंगम तीन प्राणियों का नाम लिया गया जिससे हम व्यवहार करते हैं किसान लोग। वृषभ के द्वारा कृषि का संपादन होता है और महिषी भैंस, भैंसा और भैंस, गाय और बैल, गो शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में चलता है और बीच में रह गया कुत्ता। इन में जो गुण है वो तीनों में जो गुण है अगर एकत्र हो जाए तो राजनीति अपने आप में बहुत परिपुष्ट हो जाती है। ग्वाय में जो गुण है, वृषभ में, गोवंश में जो गुण है, पंचगव्य आदि को लेकर, कृषि आदि को लेकर, तो उत्पादनी शक्ति, पालनी शक्ति से संपन्न गोवंश है या नहीं। और जो श्वान है वो क्या है, रक्षा में कुत्ता भौंकता रहता है, रक्षणी शक्ति श्वान में है। और उधर क्या कहा, महिषी, यमराज का वाहन कौन है, भैंसा, उसमें संहार की शक्ति रहती है, एक में उत्पादनी शक्ति, एक में पालनी शक्ति, एक में समृद्धि संहार की शक्ति रहती है, इसलिए तीन का नाम लिया, पूरी राजनीति हो गई।